हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय होम ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का मेरा टॉपिक है सेवेंथ क्लास का चैप्टर फर्स्ट है एक्सरसाइज 1.3। इससे पिछली क्लास में मैंने आपको 1.2 एंड 1.1 करवाया था, जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन और इंटीजर्स के बारे में जस्ट इंट्रोडक्शन दिया था। आज आपकी एक्सरसाइज 1.3 है, तो नई एक्सरसाइज के लिए नया टॉपिक होगा। तो बिना टाइम वेस्ट के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। अब तक आपने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किया, आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर देखिए। तो आपका फर्स्ट रूल है आपका आता है 2 means multiply करना of 2 integers। With unlike sign। Unlike sign means एक positive और एक negative। We multiply the absolute field value। Of the integers and assign minus sign to the product। For example, first है आपका -7/35। तो इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, बट आपको मल्टीप्लाई करने में क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। -49/85 इसको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर माइनस में आएगा। यानी फर्स्ट हो या सेकंड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अनलाइक साइन का मीन्स यही होता है एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, आपका आंसर कितने आएगा, नेगेटिव में। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकेंड रूल है आपका टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर विद लाइक साइन। लाइक साइन यानी कि दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। लाइक साइन वी मल्टीप्लाई द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टू इंटीजर्स वैल्यू ऑफ द टू इंटीजर्स एंड असाइन प्लस साइन टू द प्रोडक्ट। यहां माइनस था, यहां क्या आ जाएगा, प्लस साइन टू द प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल -18/-30 दोनों ही साइन माइनस के हैं तो आपका प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। या दोनों पॉजिटिव है वो तो सिंपल पॉजिटिव में साइन में ही आंसर आएगा आपका। दो साइन एक साथ नहीं लिखते इसलिए आप ना ब्रैकेट यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जब फर्स्ट रूल में आपका है कि अनलाइक साइन हो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो आपका जो प्रोडक्ट होगा किसमें प्राप्त होगा, नेगेटिव में माइनस साइन के साथ। अगर दोनों ही आपके लाइक साइन के साथ होते हैं तो दोनों का साइन में क्या आएगा, प्लस का साइन। ये हो गए आपके रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। आगे देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर। अब तक आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज देखी है, अब मल्टीप्लीकेशन की। देखिए फर्स्ट है आपका क्लोजर, इसमें आपको टू इंटीजर से मल्टीप्लाई करने पर आपका जो आंसर प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, इंटीजर होगा। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर ही ग्राफ जो भी डिजिट आएगी, फॉर एग्जाम्पल 8 = -4
एंड बी इज इक्वल टू 5, तो -4 मल्टीप्लाई 5 -20, तो ये क्या है, -20 भी क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है। सेकंड है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसके अंदर दो है, ए इंटू बी या बी इंटू ए, किसी भी आप ऑर्डर में रखिए, आपका आंसर क्या आएगा, इक्वल आएगा। फॉर एग्जाम्पल ए है आपका -3, बी है आपका 5, ए इंटू बी यानी कि -3 मल्टीप्लाई 5 यानी कि आपका -15, और बी मल्टीप्लाई ए तब भी आपका क्या आया, -15। तो आपके कुमुलेटिव प्रॉपर्टी में क्या आता है कि किसी भी ऑर्डर में रखिए, चाहे ए इंटू बी करिए, बी इंटू ए करिए, आपका जो प्रोडक्ट होगा वो सेम होगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसके अंदर आपको 3 इंटीजर्स गिवन है, ए बी एंड सी, और आप इसको किसी भी फॉर्म में रखिए, यानी कि ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, इक्वल ही होगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर फॉर एग्जांपल ए -2 बी 3 एंड सी अगेन 2, तो फर्स्ट के ही तौर पे देखेंगे तो -3 मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 इक्वल है किसके, -2 इंटू 3 -2, दोनों ही पुट अप कर लिए हमने। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट करते हैं, यहाँ है आपका -12, यहाँ पर कितना आया -12। तो किसी भी ऑर्डर में आप रखिए, 3 इंटीजर्स हैं, इससे पहले क्यूमुलेटिव वाले में 2 थे ए और बी, जिसको किसी भी ऑर्डर में रखते हैं आप, तो आंसर हमारा प्रोडक्ट जो होता है हमारा सेम होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे 3 इंटीजर्स होते हैं, और आप इसको किसी भी ग्रुप में रखिए, चाहे ए बी करिए चाहे बी सी करिए, आपका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसमें a इंटू 1, 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 होगा, और 1 इंटू a करने पर तब भी हमारा आंसर क्या होगा, a होगा। तो सो 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर, लेट a इज इक्वल टू -8, तो a को 1 से करेंगे या 1 को a से करेंगे, बात हमारी -8 तब भी हमारा -8 आएगा, और 1 इंटू -8 करेंगे तब भी हमारा -8 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होता था, नंबर इटसेल्फ आता था जीरो में एड या सब्ट्रैक्शन करने पर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जीरो होता है। जीरो को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर जीरो आ जाएगा, या जीरो को ए से करिए, ए को जीरो से करिए, तब भी आपका जीरो होगा। ए इज इक्वल टू -6 है, -6 को जीरो से करेंगे तब भी जीरो आएगा, या जीरो को -6 से करेंगे तब भी आपका आंसर कितना आएगा, जीरो। यह है आपका प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। नेक्स्ट है सिक्स प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यहां पर आपका
ठीक है, ए को बी से और फिर ए को सी से, ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव। यहाँ पर ए है हमारा माइनस टू, बी फोर एंड सी इज इक्वल टू माइनस थ्री। तो फर्स्ट में है आपका ए यानी कि माइनस टू मल्टीप्लाई है किससे, बी प्लस सी, बी फोर और ये माइनस थ्री। और डिस्ट्रीब्यूशन में इस ए का मल्टीप्लाई हम यानी कि माइनस टू का मल्टीप्लाई करेंगे, बी में प्लस करेंगे और सी है हमारा माइनस थ्री। यानी कि इसका टोटल, इसका मल्टीप्लाई हम दोनों डिजिट के साथ करेंगे। तो सॉल्व करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट करते हैं, वन आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आएगा क्योंकि पॉजिटिव का साइन बड़ा है। तो यहाँ पर आपका आंसर आया माइनस टू। इसको देखते हैं, ये आ गया एट, फोर टू जा एट, प्लस इसको माइनस और माइनस टू को माइनस थ्री से करेंगे तो क्या आएगा आपका पॉजिटिव सिक्स, और इसको प्लस माइनस माइनस करेंगे तो टू आएगा माइनस का टू। देखा स्टूडेंट्स दोनों का आंसर क्या आता है, हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी, चाहे ए इंटू बी प्लस सी करिए या ए इंटू बी या प्लस ए इंटू सी करिए, आपका जो प्रोडक्ट होगा वो सेम होगा। तो स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर आपका इतना ही है, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें जिससे अभी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।